बिग बॉस ओटीटी 2 के विजेता एल्विश यादव को रेव पार्टी में सांप के जहर के इस्तेमाल के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। रविवार को उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज गया। बता दें कि एल्विश यादव के खिलाफ रेव पार्टी में सांप का जहर मांगने के मामले में वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। कहा जा रहा है कि एल्विश यादव ने माना है कि वो रेव पार्टी में सांप का जहर मंगवाते थे। हालांकि शुरुआत में उन्होंने आरोपों से इनकार किया था। रेव पार्टियों में नशे के लिए कोकीन, हेरोइन और मॉर्फिन ही नहीं, आजकल सांपों के जहर का इस्तेमाल भी बढ़ गया है। एंटी वेनम के तौर पर तो सांप के जहर का यूज आपने सुना होगा, लेकिन क्या आपने इससे होने वाले नशे के बारे में कभी सुना है? अगर नहीं तो एक्सपर्ट से जानिए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको ये जितने भी नेटिव वाइल्ड लाइफ हैं उसमें ये सारे के सारे स्पीसीज जो प्रतिबंधित हैं, आप वो सारे स्पीसीज अपने घरों पे नहीं रख सकते हैं। तो जो जितने सांप मिले हैं, जैसे कोबरा आपने बताया, रैट स्नेक और अजगर जो कि है, तो अजगर तो पहले ही शेड्यूल वन में था, कोबरा और भी काफ़ी सारे सांप अभी जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें वो सारे शेड्यूल वन में आ गए हैं, और जो नहीं है वो शेड्यूल टू में हैं। तो जितने सांपों का लिस्ट अभी तक मैंने पढ़ा है वो शेड्यूल वन और टू में हैं। और ऐसे नेटिव वाइल्ड लाइफ को घर में रखना या प्रताड़ित करना या उनका जहर निकालना या कैसे भी चीज़ जो है वो आपको 3 से लेकर 7 साल तक सजा दिला सकता है और लगभग 1 लाख रुपये का जुर्माना किया जा सकता है उसके ऊपर में। जहाँ तक रही सांपों से जहर निकालने की बात और उसको यूज करने की बात नशे में, तो ये काफ़ी हद तक सही है और कई सारे जगह पे ऐसा देखा गया है कि इसको जो है ओपियम के अल्टरनेट के रूप में यूज किया जाता है। और लेकिन इसके लिए क्या होता है कि धीरे धीरे आपको अपने बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप करने पड़ते हैं, जो कि सारे जो नशे वाले लोग हैं वो ऐसा करते हैं, धीरे धीरे उसके मतलब थोड़ा थोड़ा जहर जो है बॉडी में इंजेक्ट करते हैं जिससे वो एंटीबॉडीज बनते हैं, और बाद में उसको एज ए हेलुसिनेशन सब्सटेंस के रूप में उसको यूज किया जाता है उसके बॉडी में। लेकिन ये घातक होगा बॉडी के लिए भी, ह्यूमन बींग के लिए भी? एकदम ये घातक हो सकता है। और ये लेकिन जो लोग ज़्यादा नशा करते हैं वो इसको यूज़ करते हैं, और पहले उनको यूज किया जाता है कि ऐसे सांपों को जो कि सेमी पॉइजनस होते हैं या सेमी वेनेमस होते हैं, जो कम जिनका जहर चढ़ता है, जैसे मान लीजिए आपका और उसके बाद में जो ज़्यादा घातक है विषैले सर्प होते हैं उनको यूज किया जाता है। धीरे धीरे थोड़ी मात्रा में जहर को बॉडी में रखने से वो एंटीबॉडीज उससे डेवलप होते हैं, एंटीबॉडीज डेवलप होने के बाद में फिर उनको वो करता है। तीसरा एक ये चीज़ है कि ऐसी जगह पे उनको कटाते हैं, जैसे मान लीजिए उंगली में कटाया है, फिर बाद में उनको ईयर लोब्स पे कटाते हैं, लिप्स पे कटाते हैं या टंग्स पे कटाते हैं, तो ऐसी जगहों पे कटाने से फिर धीरे धीरे उनका वो कम होने लगता है और वो नशे के रूप में, मतलब जहर कम और नशे के रूप में होता है। जुड़े मेरे साथ, मैं लखनऊ संजय सिंह राजपूत, न्यूज़ 18।